जब बंदे से गुनाह सरजद हो जाता है और वो माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा ही अच्छा लगता है। इंसान के अंदर चूंकि ये दोनों चीज़ें रखी गई हैं तो कभी कभी उससे गुनाह भी सरजद हो जाएगा। नेकी उसकी अकल, उसका फहम, उसका इदराक, शरीयत की रहनुमाई, अंबिया की तालीमात उसे बताएंगी कि वो नेकी के राह पे चले, लेकिन कभी कभी बाई समझ से जो ख्वाहिशात और आरजू है वो भी उसको घेर लेंगी और अचानक उससे कभी कोई गुनाह भी हो जाएगा। और अगर अचानक उससे कभी गुनाह हो गया, कभी आंख भटक गई, कभी ख्याल बहक गए, कभी सोच में आवारगी आ गई, कभी जुबान ने मैला लफ्ज़ बोल दिया, तो फिर क्या है कि फिर फौरी माफ़ी मांग ले। मोमिन जब गुनाह करता है तो ऐसी कैफियत होती है जैसे अभी ओहद पहाड़ तले आ गया है, अगर उसने तौबा ना की तो कुचल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तो फिर फौरी माफ़ी मांगता है तो ये अल्लाह को बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों से कि देखो मेरा बंदा आखिर मेरी दहलीज पे आया है ना, तुम गवाह हो जो मैंने इसके सारे गुनाह माफ़